हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंपली नेचुरल लाइफ आरजी ब्लॉग्स में। सो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और अभी आ गई हूँ मैं अपने ऑफिस से घर पे, और घर पे आने के बाद ना सच बताऊँ ना बॉडी में इतनी थकान होती है ना, मतलब एनर्जी ही नहीं होती कि अदर आप कुछ काम करो। लेकिन 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 काम तो हमें करना ही होता है, तो फटाफट से आज मैं बना रही हूँ उबले हुए आलू की सब्ज़ी। तो मैंने यहाँ पे जितने आलू रखे हुए थे उसको उबाल लूँगी कुकर में, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे कुकर में आलू रखे हुए ना, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा दिन की हो जाती है तो ख़राब हो जाती हैं। तो फिर मैंने सोचा चलो आलू उबले हुए आलू की सब्ज़ी बनाते हैं, जिसमें थोड़ा कम टाइम लगता है। जब तक कुकर में आलू बॉयल हो गए तब तक मैं दूसरे जो भी मेरे काम है वो मैं कर सकती हूँ। एंड फिर बहुत ज़्यादा मेरा मन भी कर रहा था कि ऐसी सब्ज़ी बनाऊँ। एंड यहाँ पर मैंने कुकर चढ़ा दिया है और मैं सब्ज़ी लेकर आई थी। जो जो सब्जियां थी वो सारी चीज़ें निकालना बाकी था, तो पहले मैंने सोचा चेंज कर लेती हूँ मैं कपड़े को, और उसके बाद ना क्योंकि चेंज करने के बाद किचन में आना थोड़ा अच्छा लगता है। एंड उसके बाद तो फिर फटाफट से मैंने आलू बॉईल करने के लिए रख दिया था, आलू बॉईल हो गया था। एंड उसके बाद यहाँ पे मैं हूँ और मैं रख दूँगी चावल, क्योंकि ना उबले हुए आलू की रसे वाली सब्ज़ी बनाया था मैंने, और चावल उसके साथ ना बहुत ज़्यादा टेस्ट लगता है। एंड पराठे मैं बाद में बनाऊँगी, जब तक ये चीज़ें भी होती रहेंगी। एंड यहाँ पर मैं सब्ज़ी थी तो मैंने सोचा वो सारी चीज़ें भी निकाल लेते हैं, देख लेते क्या क्या चीज़ें हैं घर पर, क्या क्या चीज़ें नहीं हैं, क्योंकि जो चीज़ें बहुत दिनों की हो जाती है उसे पहले मैं निकाल दूँगी, यूज़ कर लेंगे, ताकि ना बाद में जो नई चीज़ें आप लाते हो ना वो चीज़ ख़राब ना हो। एंड उसके बाद यहाँ पे मैंने जो बॉईल कर लिया था आलू उसके स्किन निकाल लूँगी मैं, छिलके निकालना है मुझे। पहले तो मैं प्याज को ना कट करके ना उसको हल्का सा धो लेती हूँ, क्योंकि ना उससे क्या होता है बहुत आंसू आते हैं, तो फिर मैं ना इसलिए मैंने खिड़की उड़की सारी चीज़ें खोल लिया था। एंड मैं ना प्याज जो था मुझे ना पेस्ट बनाना था, तो मैंने सोचा कि मिक्सर निकालो उसको बनाओ बहुत ज़्यादा लगता है टाइम, इसलिए फिर मैंने सोचा जाने दो, ये सब निकालने से बेटर है कि मैं ना घिस लेती हूँ प्याज को, और ज़्यादा टाइम भी नहीं जाता है, इसको घिस लो तो सही है। एंड उसके बाद यहाँ पे जितनी सब्ज़ियाँ थी भिंडी लेकर आया था मैंने, और भिंडी को ना निकाल के धो लूँगी मैं अच्छी तरह से, क्योंकि बाद में है ना सूख जाएगी भिंडी। एंड उसके बाद काटो तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मैं अच्छी तरह से बना सकती हूँ सब्ज़ी, क्योंकि धुली हुई रहेगी तो कुछ ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे फिर मसाला ख़त्म हो गया था, उसका पैकेट रखा हुआ था तो वो निकाल लूँगी मैं। एंड गाइस, अभी मेरी हेल्थ इतनी ज़्यादा डाउन हो गई है ना, मैं क्या ही बोलूँ, आप लोग देख सकते हो बहुत ज़्यादा हेल्थ डाउन हो गई है। एंड चीज़ें भी अभी मतलब कुछ रहता ना, कभी कभी कुछ चीज़ें सही नहीं होती हैं, टाइम सही नहीं होता, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। एंड उसके बाद मैंने सोचा चलो फटाफट से हैं तो बना लेते हैं सब्ज़ी। एंड यहाँ पे धनिया भी थी, मुझे ना धनिया बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, मतलब हर चीज़ में ना डालना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे, ग्रीन ग्रीन सी दिखती है। एंड उसमें ना धनिया डालने से ना उसका जो टेस्ट होता है ना वो अलग ही हो जाता है। एंड आप देख सकते हो सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी, रसे वाली। एंड मेरा गुरुवार का फास्ट भी था, तो मैंने मेरा गुरुवार का फास्ट नहीं था, क्योंकि मैंने प्याज डाला ना, मुझे लगा मेरा व्रत था, लेकिन नहीं, मेरा व्रत नहीं था। एंड उसके बाद मैंने सोचा कि अच्छा चलो कुछ बना लेते, पापड़ ऊपर तलने का मैं सोच रही थी। अब उसके बाद ना ये बहुत दिन हो गए वीडियो एड शूट किया हुआ कब का था, लेकिन मैंने ना एडिटिंग नहीं किया था और मैंने डाला भी नहीं था, तो मुझे ना कुछ कुछ चीज़ें याद नहीं थी क्या कर रहे थे। फिर मुझे याद आया कि हाँ, मैंने उसके बाद मैंने यहाँ पे पापड़ ऊपर तल लिया था, क्योंकि ये सब ना खाने के साथ में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है खाने के लिए। एंड फिर मैंने यहाँ पर निकाला, और उसके बाद ना गरम गरम चीज़ें करो ना तो और ज़्यादा अच्छी लगती है, रसे वाली चावल और सब्ज़ी, ये मतलब मुझे ना ये मेरा फेवरेट खाना है। बहुत दिन ऐसा हो गए थे कि रसे वाली सब्ज़ी नहीं खाई थी। आप ना पता है ऑफिस जाओगे या घर पर रहोगे तो सूखी सब्ज़ियाँ बनाते हैं, ताकि ना टिफ़िन में ये सारी चीज़ों में गिरे ना ये सारी चीज़ें। एंड घर पर ना इसलिए मेरा बहुत मन कर रहा था कि मैं रसे वाली सब्ज़ी बनाऊँ और चावल बनाऊँ, पापड़ ऊपर सारी चीज़ें खाओ। ये खाना ना पता आप लोग को शादी से पहले हम लोग ना बहुत मतलब मम्मी हम लोग सब लोग मिल के ऐसा हेल्दी खाना ये सारी चीज़ें बहुत खाते थे, तो मुझे ना वो वाली याद आ रही थी, मम्मी ऐसे रसे वाली सब्ज़ी बनाती है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, तो मैंने कुछ उस तरह से ट्राई किया। एंड उसके बाद मैं अपने घर की खिड़की और गेट खोल दूँगी, क्योंकि पता है आप लोग को अगर मैं वीडियो शूट करती हूँ कुछ चीज़ें रखी रहती तो मैं नहीं चाहती कि उनकी प्राइवेसी को चीज़ें कुछ हो, इसलिए मैं थोड़े टाइम के लिए गेट बंद कर लेती हूँ, क्योंकि मुंबई में ये चाल है
साल का ये रूम है तो आपको ना बहुत जॉइंट जॉइंट मिलते हैं, और फिर दूसरे लोगों को अनकंफर्टेबल फील ना हो वो चीज़ें भी देखना पड़ता है कि क्योंकि आपको ये चीज़ अच्छी लगती है लेकिन दूसरों को नहीं अच्छी लगती, ऐसी भी होती है। और घर का है, प्राइवेसी भी रहती है, इसलिए फिर मैं ना थोड़ी वो चीज़ें ना वहाँ पर कैमरा रखना अवॉइड करती हूँ। एंड यहाँ पर मैंने सोचा चलो फटाफट से भिंडी भी धो लेती हूँ मैं, क्योंकि भिंडी भी धो के रख दूँगी अभी तो मतलब 2-3 घंटे में सूख जाएगी, तो बाद में मैं कट कर सकती हूँ ताकि मॉर्निंग में मुझे इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। और मटका भी खाली करना था क्योंकि मटके का पानी भी 2 दिन हो गए थे, तो फिर मुझे खाली साफ़ करने थे मटके, इसलिए मैंने सोचा चलो मटके का पानी भी यूज़ कर लेते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पे टोकरी वोकरी जो भी थी सारी चीज़ अच्छे से उसको धोया मैंने। फिर एंड उसके बाद यहाँ पे भिंडी जो थी भिंडी को धो के रखूँगी मैं एक एक करके। अंडे मुझे बोला कि पानी मेरा हो गया है तुम भर लो, तो फिर मैंने फिर मुझे पाइप भी लगाना था, मतलब ऐसा हो जाता है ना रात में नल भी आता है, रात में आप इतना लेट आते हो ऑफिस से, फिर घर का काम खाना पीना, फिर उसके बाद पानी वानी भरना, तो बहुत टाइम हो जाता है बिल्कुल भी। सच में मैं ना बहुत थक जाती हूँ, सच बताऊँ ना बहुत एनर्जी कोई भी हो थक ही जाता है इतना सारा काम अगर करेगा वो। तो फटाफट से मैंने सोचा चलो पाइप लगा देती हूँ पहले, तो मेरा वो काम भी होता रहेगा पानी भरने का। और यहाँ पे जो मैंने चावल उबल सारी चीज़ें थी वो सब निकाल के एक्स्ट्रा जो भी बर्तन था वो सब भी साफ़ कर लूँगी, एंड ताकि ना मुझे बाद में ना मेरे हस्बैंड जब आएंगे तो मुझे इतना ज़्यादा काम नहीं होगा करने के लिए। एंड उसके बाद मैंने सोचा चलो फटाफट से पाइप लगा ही देते हैं। एंड मुझे अंदर भी भरना था तो मैंने पहले ड्रम में लगा दिया था ताकि मैं बाहर का बर्तन अंदर का बर्तन बाहर रख सकूँ। और पानी भरो ना तो लगे हाथ ना पानी भरते भरते लगे आते हैं तो बर्तन धोना भी हो जाता है, तो फिर ऐसा क्या होता है कि क्लीन भी हो जाता है। उसी टाइम पानी वाला जितना काम होता है ना मैं कोशिश करती हूँ उसी टाइम पानी वाला काम कर लूँ। एंड आप देख सकते हो मेरा बेड मैंने के बाद बिछा दिया था, धोया था मैंने, और क्लीन हो गया ना, क्लीन घर बहुत ही अच्छा लगता है। और गाइस वीडियो अच्छा लगे आप लोग को तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यहाँ पे मैंने सारे कपड़े रखे थे, बारिश का टाइम है सूखता नहीं है, तो पलंग के पास रखा है ताकि वहाँ से पंखे से डायरेक्टली हवा आए और पंखे से अच्छी तरह से मेरे कपड़े सूख जाए। रात भर पंखा चालू रहेगा तो रात भर कपड़े भी ऐसे डले रहते तो सूख जाते हैं। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा छोटा सा रूम है, छोटा छोटा सा घर है, एंड यहाँ पे किचन है। कभी रहेगा तो मैं आप लोग के साथ होम टूर ज़रूर कराऊँगी। एंड वीडियो अच्छे लगे गाइस तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत और कर देना। एंड यहाँ पे देख सकते हो भिंडी कितनी ज़्यादा ग्रीन ग्रीन फ्रेश फ्रेश लग रही है, पता ताज़ी सब्जियाँ रहती है ना उतनी ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं क्योंकि टेस्टी भी लगती हैं, और ताज़ी ताज़ी फ्रेश सब्जियाँ हेल्थ के लिए भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं। एंड गाइज आप देख सकते हो यहाँ पे मेरी सब्जी बन चुकी थी, पूरी रखी हुई थी, एंड मैंने तो खाना खा लिया था, मेरे हस्बैंड का बाकी था खाना खाने के लिए तो वो ही रखा था, एंड चावल भी निकाल दिए। अब घर बहुत क्लीन दिख रहा है, सारे बर्तन मैंने धो दिए, मटका धो दिया, खिड़की विड़की सब थोड़ी सा साफ़ कर लिया है, तो